हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स किचन। आज मैं बनाने जाऊंगी 10 मिनट में बनने वाला एक डेजर्ट ब्रेड कस्टर्ड। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक गैस पे पैन गर्म होने के लिए रखा है और उसपे मैंने एक ग्लास दूध ऐड किया है। अब हम अपने दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे। 2-3 मिनट तक बॉईल होना है इसको। हमारे दूध को गर्म होते 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी और अपने दूध को अच्छे से मिक्स कर देना। हमें इस दूध के अंदर हल्का सा बॉईल आने देना है। दूध के अंदर बॉईल आ चुका है। मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया है और उसको पतला घोल बना लेना। आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर में लम्स ना पड़े। ये अच्छे से घुल चुका है। अब मैं अपने दूध के अंदर इसको मिक्स कर दूंगी और जल्दी से इसको चलाना है क्योंकि कभी इसके अंदर कांटे पड़ जाएं। जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। मैंने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड यूज किया है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है मैं अपनी ब्रेड रेडी कर लेती हूँ। मैंने ये 6 ब्रेड लिए और एक ग्लास लिया है और ग्लास की हेल्प से मैंने इसको कट कर लिया है। हमारी सभी ब्रेड कट चुकी हैं। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम ब्रेड क्रम्स में यूज करेंगे। हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसे बाउल में करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी एक ब्रेड इसके अंदर रख दी है। उसके ऊपर इस तरह से कस्टर्ड को डालना है। अपनी चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर इस तरह से डाल लें। इसके बाद मैंने एक लेयर और ब्रेड की इस तरह से इस पर डाली है और अपने कस्टर्ड को इस तरह से डालना है। इसी तरह से फिर से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर सेट करने हैं। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां हमें इस तरह से इसके ऊपर सजा देनी है। इसी तरह से हम अपना दूसरा बाउल रेडी करेंगे। हमारा ब्रेड कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। हमें इसको जब तक फ्रीज में रख के रखना है जब तक ये सेट ना हो जाए। 2-3 घंटे हो चुके हैं। हमारी ब्रेड कस्टर्ड बनकर तैयार हो गई है। आप देखिए ये बिल्कुल सेट है। हमारी ब्रेड कस्टर्ड परफेक्टली बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल।